नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 सामान्य ज्ञान से, और यह भाग 6 है और इसकी परीक्षा जो है 15 अप्रैल को होने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो अपलोड किया हूँ आप लोगों को रिवीजन के उद्देश्य से कि जीएस का जो पेपर आता है उसका रिवीजन आपको हो जाए, कितना आपका तैयारी है। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है कितना होता है? इसका आंसर होगा बी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2, टेलीकम्युनिकेशन सेवा का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? हमारे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग आंसर सोच कर रखिए कौन सा आंसर हो सकता है। इससे आपको अपने आप को जांचने का ये मौका भी मिलेगा कि आप कितना तैयार हैं आपका। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, टेलीकम्युनिकेशन सेवा का नियंत्रण किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो यह संस्था है ट्राई, TRAI, ट्राई। क्वेश्चन नंबर 3, 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? या की गई है तो हो चुका है खेल, लेकिन क्वेश्चन इसमें पुराना है, तो इसमें जो है किसके द्वारा की गई थी 2010 का राष्ट्रमंडल खेलों का, इसका आंसर हो जाएगा ये, भारत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री हैं, तो उस समय देखिए वित्त मंत्री थे पी चिदंबरम, लेकिन इस समय जो है अरुण जेटली हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 6, भूकंप की तीव्रता आंकी जाती है किससे आंकी जाती है? तो रिक्टर स्केल से। क्वेश्चन नंबर 7, ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कहाँ की रहने वाली है? तो ये जो है आंध्र प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चित्रित चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो इसमें रहती है 24 तिलियां। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा डी, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 13, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 14, टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जेएल वेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी, पश्चिमी तिब्बत में मानसरोवर झील से। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच, तो वर्तमान कोच इसमें जो है इसमें कोई नहीं है, इस समय रवि शास्त्री हैं वर्तमान कोच। पुराना क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें भारतीय क्रिकेट के कोच कौन है? रवि शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर भारतवर्ष में कितने प्रदेश तथा संघीय क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2806, लेकिन इस समय वर्तमान देखेंगे तो 2807 है, 2906 हैगा, इसमें जो है 2906 होगा, क्योंकि 29 राज्य होंगे इस समय और 6 जो है केंद्र शासित, जिसमें दिल्ली को छोड़कर कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 20, अक्टूबर 2005 में आए भूकंप में कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 21, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। क्वेश्चन नंबर 22, शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो सबसे पहले ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 24, भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? ये हुआ था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 25, किस देश ने 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता? ये जीता था ब्राज़ील ने। क्वेश्चन नंबर 26, किस बल्लेबाज का टेस्ट क्रिकेट में रनों का औसत सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा डॉन ब्रेड मैन का। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली को छोड़कर भारत में कितने प्रांत है? तो दिल्ली को छोड़कर अगर देखा जाए तो भारत में कितने प्रांत है, यहाँ पर देखिए इस समय 29 प्रांत हो गए हैं, तो इस आंसर इसका यही होगा सी 29। क्वेश्चन नंबर 28, रतौधी रोग किसकी कमी से होता है? तो रतौधी रोग जो है किसकी कमी से होता है, ये होता है विटामिन ए की। क्वेश्चन नंबर 29, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बृहद ज्वार भाटा कब आता है? बृहद ज्वार भाटा कब आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पूर्णमासी को और अमावस्या को, यानी ए और बी दोनों सही है, डी होगा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 31, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की, इसका नाम था, इसका नाम था दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो प्राचीन भारत का जो है मनु को जो विधिवेत्ता माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सिख शब्द उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, शिष्य। क्वेश्चन नंबर 35, डुरंड लाइन किनके बीच खींची गई है? तो डुरंड लाइन जो है किनके बीच खींची गई है, इसका आंसर हो जाएगा ये, भारत तथा अफगानिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी विटामिन सी की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 38, मानव आहार में लोहे की न्यूनता के कारण होता है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें यह पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा अरक्तता, यानी एनीमिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ल्यूकेमिया का प्रभाव मानव शरीर के किस हिस्से पर होता है? तो ल्यूकेमिया का प्रभाव जो है मानव शरीर के जो है रक्त पर होता है। क्वेश्चन नंबर 40, हैजा एक विशिष्ट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संक्रामक रोग का। क्वेश्चन नंबर 41, नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था सन, किस समय नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था? तो 1901 में। क्वेश्चन नंबर 42, छपाई की मशीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जॉन गटेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 43, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह था, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह क्या था? इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 44, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंसर होगा सी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 45, क्रिकेट पिच की लंबाई होती है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा ए, 20.12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ए, 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। क्वेश्चन नंबर 48, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है, कहाँ पर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जेनेवा में।
क्वेश्चन नंबर 49, स्वेज नहर मध्य सागर को किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है, त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।